उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय के 116वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन सत्र में कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर ऊधम सिंह गौतम, किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़, रुद्रपुर विधायक एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद के सदस्य शिव अरोरा, पूर्व किच्छा विधायक एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद के सदस्य राजेश शुक्ला, अध्यक्ष कृषि विपणन उद्योग अनिल कुमार डब्बू उपस्थित थे। मेले के उद्घाटन के पश्चात कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री को मेले में लगी उद्यान प्रदर्शनी तथा विश्वविद्यालय द्वारा लगी विभिन्न प्रदर्शनियों के स्टालों का अवलोकन कराया गया। मुख्य उद्घाटन समारोह गांधी हॉल सभागार में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान द्वारा की गई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के प्रयासों से विश्वविद्यालय शोध एवं प्रसार में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति की जननी के रूप में विश्वविद्यालय का अपना अलग स्थान है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय शोध किए छात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में विश्वविद्यालय का परचम लहरा रहे हैं। विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई का क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों की उन्नति के लिए एक वर्ष में विश्वविद्यालय के द्वारा 2 बार किसान मेले का आयोजन किया जाता है और किसान मेले के माध्यम से कृषक, वैज्ञानिक एवं उद्यमी एक जगह पर मिल जाते हैं, जिससे हमारे दृष्टिकोण में बढ़ोतरी होती है और कृषि से जुड़ी हुई वस्तुएं मिल जाती हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान मेला, जो कि कृषि कुंभ के रूप में जाना जाता है, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। हमें नवाचार पर बल देने की आवश्यकता है, जिससे कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार होने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड से द नेटिजन न्यूज़ के लिए स्टेट हेड एवं प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मीडिया क्लब असद खान की विशेष रिपोर्ट। आप किसान मेले में आए, आपको उद्घाटन क्या कहना चाहेंगे सर? इस प्रकार यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर चर्चा करते हैं। किसान भाई बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, उसमें हमारे किसान भाई उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता। सर प्रदेश में सर